अरे यार, तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? ये तो बहुत मुश्किल है। अगर इसमें सफल होना है तो दुनिया भूल कर बस पढ़ाई में लगे रहो। ऐसे स्टेटमेंट्स आपने भी खूब सुने होंगे। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जाम को पास करने के लिए हमें दिन रात बस पढ़ाई करनी चाहिए, बाकी दुनिया से कट कर बस किताबों में डूब जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसी स्ट्रैटेजी सही होती है? क्या एक यूपीएससी एस्पिरेंट को हर समय बस पढ़ाई करते रहना चाहिए, या फिर यूपीएससी की तैयारी का हवा हम सबके ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हम सही स्ट्रैटेजी बना ही नहीं पाते और अंततः असफल होते हैं? तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। मेरा नाम ऐश्वर्या है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच जाए इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप JPSC की तैयारी भी साथ साथ कर रहे हैं तो हमारे खास YouTube चैनल मिशन JPSC को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं जो आपको इस एग्जाम को सफल होने में काफी हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए कितने ज्ञान की आवश्यकता है। तो यह अक्सर कहा जाता है कि IAS परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए प्रतिदिन 16 से 18 घंटे में का जो गहन अध्ययन है उसकी आवश्यकता होती है। एक धारणा ये भी है कि IAS परीक्षा की तैयारी के दौरान IAS उम्मीदवारों को किसी अन्य कार्यों में शामिल नहीं होना चाहिए तथा दैनिक कार्यों के लिए कम से कम समय बर्बाद करना चाहिए। मगर ये सभी भ्रांतियां हैं जो विद्यार्थियों को अपनी राह से भटकाने के अलावा और कुछ नहीं करती, क्योंकि यदि ये सच होता तो नौकरी करते हुए लोग इस परीक्षा में कभी सफल नहीं हो पाते। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूपीएससी की तैयारी के लिए कितनी पढ़ाई करनी चाहिए और इसकी सही स्ट्रैटेजी क्या है? तो दुनिया से अलग होने के बजाय खुद को दुनिया से जोड़ें। तो यूपीएससी परीक्षा की तैयारी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खुद को बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग थलग कर लिया जाए। तो उम्मीदवारों में केवल किताबी ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि दुनिया की हर गतिविधि का ज्ञान होना चाहिए जो एक आम नागरिक के जीवन को प्रभावित करती है। यूपीएससी उम्मीदवारों में सामाजिक समस्याओं से निपटने की कला का विकास बंद कमरे में रहकर केवल किताबों के अध्ययन से मुमकिन नहीं है। इसके लिए उन्हें सकारात्मक सोच विकसित करने की आवश्यकता है और उन्हें अपने कीमती समय से कुछ समय इन समस्याओं को हल करने के उपाय ढूंढने में भी देना चाहिए। नेक्स्ट इज, कई घंटों की पढ़ाई के बजाय इफेक्टिव पढ़ाई करें। तो ये आम धारणा है कि यूपीएससी उम्मीदवार प्रतिदिन 16 घंटे तक टेबल पर बैठकर अध्ययन करते रहते हैं, मगर ये बात हर उम्मीदवार के लिए सच नहीं होती। वैसे तो माना जाता है कि उन्हें 9 से 10 घंटे की पढ़ाई तो जरूर ही करनी चाहिए, क्योंकि इससे कम में शायद उनका सिलेबस पूरा ना हो पाए। मगर पढ़ाई के घंटे गिनने से अच्छा है कि आप जितनी देर भी पढ़ें उतनी देर अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रखें, और जब आप पढ़ाई ना कर रहे हो तब भी अपने मन में रिविजन करते रहें। नेक्स्ट इज, अपनी क्षमता को पहचानें और फिर अपनी पढ़ाई की अवधि तय करें। तो हर व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक क्षमता अलग अलग होती है। कोई 3 घंटे की पढ़ाई में ही कोई टॉपिक पूरा कर सकता है, तो किसी को उसी टॉपिक को पूरा करने के लिए 10 घंटे लग सकते हैं। तो इसी प्रकार कोई व्यक्ति लगातार 3 से 4 घंटे तक कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई कर सकता है, लेकिन किसी और के लिए 1 घंटा लगातार बैठना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार ही पढ़ाई करें और उसकी अवधि निर्धारित करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करेंगे तो ये परीक्षा आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, यह हम लगातार आपको बताते हैं। तो IAS की तैयारी करते वक्त आपको बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से अपनी पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है। अंततः उम्मीदवार को खुद ये तय करना चाहिए कि उन्हें IAS की परीक्षा की तैयारी के लिए कितना समय सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही प्रतिदिन तय समय सारणी का पालन करना चाहिए। किसी ऐसे कार्यों से या गलत धारणाओं से भी दूर रहना चाहिए जो IAS परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हैं, सजेशंस हैं, तो उन्हें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।
आपकी जेपीएससी परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर वन और पेपर टू की संपूर्ण गाइड बुक। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई है। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर वन और पेपर टू के प्रत्येक विषय पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये किताबें हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड और इनमें लास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा। 100% एग्जाम रेडी होने के लिए आप पढ़ सकते हैं 15 मॉडल सॉल्व पेपर्स। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आज ही ऑर्डर करें अमेजोन, फ्लिपकार्ट या नज़दीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।